क्या आप लोग भी ये सोचते हो कि लोग इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं? क्या आप लोग के मन में भी यही ख्याल आता है कि काश कभी मैं भी ऐसे डांस कर पाता या पाती? तो इस वीडियो में आपके सारे ख्वाहिशें पूरे होने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि आप ये वीडियो को एंड तक देख रहे हो और मेरी एक्टिंग के 30 रुपए काट। ऑलराइट गाइस, सो इन दिस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप करोगे ओ मेहरुबा मेरे मेहरुबा वाला डांस, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इंस्टाग्राम पर और हर कोई, मतलब लिटरली हर कोई कर रहा है यही वाला डांस। जैसे कि मैंने कल बच्चे को भी देखा था, बच्चा भी कर रहा है सेम, उसको करने आ नहीं रहा है बट फिर भी वो ट्राई कर रहा है। तो हाँ, हम भी लर्न करेंगे और इतना अच्छे से ब्रेक डाउन करूंगा कि आप अगर बिगिनर हो तो भी आप सीख सकते हो ये डांस। तो चलो अभी देखते हैं मैं कैसा कर रहा हूँ म्यूजिक पर। लर्न करने से पहले आप लोग को मैं ये बोल दूं, अगर आप लोग को कोई भी रिक्वेस्ट होगी सॉन्ग की, को भी पुराना हो या फिर चाहे नया हो या फिर इंस्टाग्राम रील का ट्यूटोरियल हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर दो कि मेरे को ये सॉन्ग पर ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं डेफिनेटली से बना दूंगा। जैसे कि ये सॉन्ग भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट की वजह से मेरे को पता चला है कि ये रील फेमस हो रही है, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ रील्स वगैरह। तो हाँ, वही है। और अगर आप ये चैनल पर नए और आपको कॉमेडी के साथ साथ ट्यूटोरियल सीखने, तो मेक श्योर करो कि आप ये सब्सक्राइब का बटन कहाँ पर है ये वाला दबा रहे हो, और घंटा भी दबाना मत भूलो क्योंकि मैं आपके नोटिफिकेशंस में आऊंगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, करना क्या है हमें, करना है ये वाला स्टेप। अभी इसमें बेसिक वाला क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसमें करना क्या होगा, आपको आपका लेफ्ट रखना होगा क्रॉस, जैसे कि मैंने रखा है, और आप जैसे ही रखते हो, रखे बाद आपको राइट को ऐसे ऊपर लेना है, राइट के साथ साथ आपको आपके लेफ्ट पे हॉप लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका राइट ऊपर आ रहा है वैसे ही आपको लेफ्ट पर हॉप लेना है, ठीक है। तो ये आया हो, रखो पहले, रखते वक्त हॉप नहीं लेना है, रखे बाद राइट को उठाना है और हॉप लेना है, ठीक है। राइट और हॉप एक साथ होंगे, तो ये कुछ ऐसे लगेगा 1 2, तो 2 पे हमें दोनों भी एक साथ करना है, ठीक है। एक बार स्लोली देख लो 1 2, ठीक है। एक और बार देख लो, फिर ट्राई करना 5 6 7 8, लेफ्ट रखा राइट एंड लेफ्ट हॉप, ठीक हो गया। ये हॉप के साथ साथ आपकी बॉडी यहाँ टर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम दूसरा वाला स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये आएगा 1 2, जैसे कि आप लोगों ने देखा हॉप के साथ साथ मैं टर्न हो गया हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट स्टेप पे भी वही करना है आपको, राइट को रखना है, लेफ्ट को ऊपर लेना है, लेफ्ट के साथ साथ राइट पे हॉप करना है, ये कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर मैं दोनों मिला के करूँ तो ये कुछ ऐसे लगेगा 1 hop and turn, बैलेंस तो ज़रूरी है, 2 hop and turn, ठीक हो गया। एक और बार 5 6 7 8, 1 turn 2 turn, ठीक है। उसके साथ साथ हाथ बहुत ही सिंपल है गाइज, आपको प्रेटेंड करना है कि आप सालन पका रहे हो, मतलब करी पका रहे हो, और करी में ऐसा गोल फिरा रहे हो, बट आप क्रॉस फिराओगे। और उसके साथ साथ थोड़े लोग ऐसे भी हाथ रख रहे हैं, मैंने सुना है आप ऐसे भी हाथ रख के कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप हॉप ले रहे हो आपको क्लैप भी करना है, ये आएगा 1 2, हॉप के साथ साथ जब भी हम टर्न कर रहे हैं मैं क्लैप कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। तो बेसिकली जब हम लेफ्ट से हॉप ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, फिर राइट से जब कर रहे हैं राइट हैंड यूज़ करेंगे, और क्लैप यहीं पर करेंगे, ऐसा मत क्लैप कर देना, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोग को ये स्टेप समझ आ रहा होगा। और उसके साथ लिरिक्स बोलेंगे, स्टार्टिंग में डार्लिंग डार्लिंग है, डार्लिंग डार्लिंग ओ मेहरबा, ऐसा कुछ है, बा से आपको शुरू करना, ठीक है। ओ मेहरबा हाँ, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि आपको बात से चालू करना है, उतना ही, ठीक हो गया। तो ये गाएगा लिरिक्स पे, डार्लिंग डार्लिंग ओ मेहरबा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं दो बार लिरिक्स पर, वी गो 5 6 7 8, डार्लिंग डार्लिंग ओ मेहरबा, ऐसा कुछ, ठीक हो गया, तो मजा आ रहा होगा। एक और बार 5 6 7 8, डार्लिंग डार्लिंग ओ मेहरबा,
गाइस मेरे को पता है मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, जज मत करना कमेंट्स पे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। हमने किया मेहरबान, ये वाली पोजीशन पे है हम। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे मार्च पास करना है 1 2 3, मतलब यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, कुछ ये वाले बेबी स्टेप्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जब भी आप लेफ्ट टैप कर रहे हो, मतलब बेसिकली हम ये लेफ्ट टैप करेंगे, पहले लेफ्ट टैप करते ही आपको ये वाला पार्ट सामने से बाहर निकलना है, जैसे कि आप लोग आपके फ्रेंड को चिढ़ा रहे हो करके, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने किया मेहरबान, यहाँ पर आ गए, लेफ्ट ऊपर है, थोड़ा पीछे हट जाने दो, हाँ। उसके बाद ये टैप करेंगे, ये बाहर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं टैप कर रहा हूँ ये बाहर आया, फिर जब बेबी स्टेप लूँगा बाहर आएगा, फिर से एक बार बाहर आएगा। तो बेसिकली हम लोग 3 बार करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हाथ बहुत ही ईजी होंगे, ऐसे आपको ऊपर 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 करना है, जैसे कि आप लोग मांग रहे हो कुछ, ए देना देना देना, कुछ ऐसा आए, ठीक है। तो ये आएगा 1 2 3, हैंड आएंगे ऑपोजिट, जैसे कि आप लोग अपना राइट टैप कर रहे हो तो आपका लेफ्ट ऊपर आएगा, और जब लेफ्ट टैप कर रहे हो तो राइट, ठीक है। तो हमने किया 1 2 3 4, यहाँ पर है हम, लेफ्ट ऊपर ही है ना, ये आएगा 1, ठीक है। ये पार्ट के साथ हाथ भी ऊपर आएगा, फिर बैक 2, फिर बैक 3, ठीक है। बेबी स्टेप लो और हाथ को ऊपर ऊपर ऐसे मांगो, ठीक होगा। एक और बार 5 6 7, इट्स सुपर स्लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बार 5 6 7 8, गया 1 2, बा मेरे मेहर बा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अभी बढ़ते हैं आगे, उसके बाद हम लोग स्लो म्यूजिक पे भी ट्राई करेंगे गाइस, तो स्टे ट्यून रहो, मेरे को पता है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आएगा, ये किया हमने 1 2 3, उसके बाद आएगा हो, फिर हमको क्या करना है, हमको प्रिटेंड करना है कि हमारे पैर बहुत जल रहे हैं, जैसे कि आप लोग को प्रिटेंड करना है कि आप लोग के छत पर आ चुके हो और बहुत ही कड़क धूप है, लिटरली बहुत कड़क धूप है, और आपको करना क्या है, आपको करना है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा पीछे जाना है और हाथ को ऐसे ओपन कर देना है, जैसे कि आप शाहरुख खान हो, ठीक है। तो हमने किया ये 1 2 3, ऐसा कुछ, ठीक हो गया। आई होप तो मजा आ रहा होगा। 5 6 7 8 हमने किया, लास्ट ये 1 2 3, बहुत ईजी है ना। ये करने के साथ साथ ये ऊ में ही, मतलब लिरिक्स ऊ ही रहेंगे, उसके बाद आपको राइट हील टैप करना है, इनसाइड लेना है, राइट हील टैप करना है, इनसाइड लेना है, 2 बार, ठीक है। हाथ बहुत ही ईजी होंगे, फर्स्ट वाले में जब आप ये और ये कर रहे हो तो आपके हाथ यहाँ पर होंगे 1, और जब ये यहाँ पर आ जाएंगे आपको ऐसे नो बता देना है, ठीक है। तो ये आएगा 1 2, और सेकेंड वाला सिर्फ 0.34, उतना ही है, ठीक है। फर्स्ट वाला 1 2 2 पे क्रॉस, देन 3 4, ठीक है। लिरिक्स बोलेंगे, हमने किया मेरे मेहरबान, यहाँ से ओ ओ ओ, यहाँ पर हम बीट कैचर कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुझसे रास्ता, कुछ की लिरिक्स है बट हाँ आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तुझसे रास्ता, ऐसा कुछ, ठीक हो गया। एक बार देखो स्लोली, हमने किया मेरे मेहरबान ओ ओ ओ, यहाँ पर सेकेंड वाले ओ पे बीट, तुझसे रास्ता, ये वाला ता थोड़ा बड़ा होगा, उस पर हम क्या करेंगे, ये वाला राउंड ले लेंगे, जैसे कि आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत होगी, बट मैं आप लोगों को ट्रिक्स बोलूँगा जैसे कि आप लोग को जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, एक दो स्टेप्स लर्न करके म्यूज़िक पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हमने किया ओ तुझसे रास्ता, ये करने के बाद आपको आपके बचपने में वापस चल जाना है, जैसे कि मैं बच्चा था, मतलब सभी बच्चे होते हैं, तो मैं क्या करता था, लोगों को सताने के लिए उन लोग के सामने आ जाता था, ऐसे कुछ ठीक है। तो मतलब राइट लेग को ड्रैग करके ऐसा कुछ सताता था, तो आप लोग को भी वही सेम करना है, बट लेफ्ट लेग ऐसा राउंड लेगा नॉर्मल वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग बैलेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो राइट लेग को ऐसे ड्रैग करना है जैसे कि आप लोग का राइट लेग बहुत ही ढीला पड़ चुका है, ठीक है। आप उसको ज़बरदस्ती खींच के राउंड लेके वापस आ रहे हो, कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर नहीं गाइस, नहीं हो रहा है, नॉर्मली करना चाहते हो तो ऐसे नॉर्मली भी राउंड ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इसमें पूरा बॉडी वेट आपके लेफ्ट पर होगा, राइट लेग कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और हाथ को ऐसे ओपन रखना है, ये आएगा बूम पक, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो हमने किया ओ ओ ओ तुझसे रास्ता ता, ठीक है, ये ता में ही आएगा, ठीक है।
अब जैसे कि आप लोग राउंड लेते हो, लिरिक्स बोलेंगे एवरी बार एगर हो मी नाइट, हो मी नाइट हमको कैच करना है। हम लोग कैसे कैच करेंगे, हो मी नाइट, ठीक है। लिरिक्स ये नहीं है मेरे को पता है, बट हाँ फिर भी आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने किया, ओ ओ तुझसे रास्ता, एवरीबॉडी गोना हो मी नाइट। ये वाला स्टेप बहुत ही ईजी है गाइस, बट इतना स्लो नहीं रहेगा, जैसे कि आप लोग को पता है ये आएगा कुछ हा 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 हा। मैं ये वाला हाथ क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मेरे ये जेब में फ़ोन है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपके राइट लेग को ऊपर लेना है, टच करना है, यहाँ पर आपको रखते ही ये वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद होगा टॉम एंड जेरी में वो लोग सीसॉ खेलते थे, जेरी कुछ बंडा फेंकता था सीसॉ पे तो टॉम उड़ कर जाता था, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये वाला टच करना है तो ये वाला उड़ के जाएगा, ठीक है। वन ऐसे, ठीक है। तो ये वन टू, अब यहाँ से ओपन क्लोज, ठीक है। यहाँ से आपको टाइम नहीं रहेगा, ऐसा आप नीचे रख के फिर ओपन क्लोज करे तक बहुत टाइम हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन सीसॉ हा बूम, ठीक है, उतना ही है। तो टच टच हा बूम, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो गया, होप कि समझ आ रहा होगा। तो लिरिक्स पे अगर मैं करूँ तो ये आएगा, ओ ओ तुझसे रास्ता, एवरीबॉडी गो हो मी नाइट, अब भी गिर जाता था, ठीक हो गाइस। अभी एक और स्टेप लर्न करके आगे जाते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत ही ईजी है, हमने किया हो मी नाइट। अभी क्या करना है, आपको राइट लेग को टैप करना है, वन आउट देन इनसाइड देन लेफ्ट आउट देन इनसाइड। ऐसे नॉर्मली टैप नहीं करेंगे बुड्ढों के जैसा, यहाँ पर हम थोड़ी एनर्जी लगाएंगे, ऐसे कुछ। क्यों एनर्जी लगाने का भी एक रीज़न है, ये स्टेप बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने किया फास्ट फास्ट हा हा, ये करते ही वन, बट जब हम नॉर्मल रख रहे हैं तो एनर्जी मत लगाओ, वरना ऐसा लगेगा कि आप जमीन के दुश्मन हो और आप ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है। तो हम जाएंगे फास्ट स्लो, ठीक है। हेड भी ऐसा मारो, वन टू थ्री फोर, और हाथ बहुत ही ईजी होंगे, राइट बैक लेफ्ट बैक, सेम लेग सेम हैंड, ठीक है। तो हमने किया एवरीबॉडी गो हो मी नाइट, टू वन टू थ्री फोर, ठीक है। इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा ये करने के बाद, ठीक हो गया। अभी यहाँ तक स्लोली स्टार्टिंग से काउंटिंग पर करते हैं, उसके बाद स्लोली म्यूजिक पर करेंगे पूरा यहाँ तक, ठीक हो गया। स्लो प्ले करूँगा फिर उसके बाद फास्ट जाएंगे। चलो करते हैं काउंटिंग पर, फाइव सिक्स सेवन एट, हमने क्या, डार्लिंग डार्लिंग ओ मेहर बा मेरे मेहरबा ओ तुझसे रास्ता, एवरीबॉडी गो हो मी नाइट ओ मंजिल। आई होप कि आप लोगों को मेरी सिंगिंग इरिटेट नहीं कर रही होगी, बट हाँ चलो भी ट्राई करते हैं स्लो म्यूजिक पर, उसके बाद बढ़ाते हैं अपनी स्पीड, चलो करते हैं। सिक्स परफेक्ट गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, खा जा रहा हो यकीन मानो। एक और बार करते हैं ये स्पीड, उसके बाद बढ़ाते हैं स्पीड, चलो करते हैं। परफेक्ट गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी, चलो करते हैं।
परफेक्ट गाइस, आई होप कि आप लोग कर पा रहे हो। अभी चलो बढ़ते आगे, हमने किया लास्ट बूम हा, अभी यहाँ से बहुत ही ईजी हो जाएगा गाइस। ठीक हो गया दोस्तों को, तो करना क्या है आपको, लेफ्ट को टैप करना है पीछे, लेफ्ट 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 लेफ्ट। यहाँ पर आपको रिदम याद रखना है कि ढुम 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 ढुम, मतलब स्टार्टिंग से यही रिदम आ रहा है, बट यहाँ पर हम लोग वो बीट्स कैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिदम आएगा ढुम 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 ढुम, तो फर्स्ट टू स्लो रहेंगे, फिर ढुम 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 फास्ट वाला टैप करके टर्न हो जाना है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट टैप करना है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। फिर इसके साथ साथ हैंड होंगे आपके, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, ये वाला नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ रख सकते हो। ठीक है, और आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे नॉर्मली भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, तो ये कुछ आएगा वन टू हा हा हा, याद रखना रिदम। ठीक है, बीट्स भी आएंगे, अगर आप लोग बीट सुन सक रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं लिरिक्स भी आपके लिए गा देता हूँ, लिरिक्स बोलेंगे है और तू ही। ठीक है, तो फर्स्ट और तू ही ई ई ई, ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये भी अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको ये स्टेप आ जाएगा। तो ये हमने किया वन टू थ्री फोर और तू ही, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आएगा मंजिल है और तू ही। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को कुछ भी फ्री स्टाइल कर सकते हो उस मंजिल पे, मतलब जो क्रिएटर्स है वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, अरे कहाँ गई, ऐसा कुछ आप लोग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको करना क्या है, हुक स्टेप आएगा, हुक स्टेप बहुत ही ईजी है। हुक स्टेप से मेरे को बचपना फिर से मेरा याद आ गया, जैसे कि मैं बचपन में लेग बाय लेग गेम खेलता था, हमारे यहाँ गेम रहती थी जिससे हम लोग लेग्स पे मार लेते थे एक दूसरे के, तो वही करना है आपको। राइट को बाहर निकालना है, आगे अंदर लेना है, लेफ्ट फिर इनसाइड, राइट एंड राइट एंड। ठीक है, राइट वाला दो बार करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये आएगा वन इनसाइड टू इनसाइड, अभी राइट दो बार, वन एंड टू एंड। ठीक है, उसके साथ साथ हैंड बहुत ही इजी होंगे, जब आपका राइट बाहर जा रहा है आपको लेफ्ट को टच करना है, राइट शोल्डर को फिर यहाँ पर लाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रिटेंड करना है कि गाइस यहाँ पर कुछ रखा हुआ है राइट पे, तो राइट से लेफ्ट ला रहे हो, फिर लेफ्ट से राइट ला रहे हो, फिर राइट से दो बार ऐसे कुछ टच कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ लगेगा वन टू थ्री फोर। ठीक है, लेग के साथ करूँ तो वन टू थ्री फोर। ठीक है, एक और बार स्लोली वन टू थ्री फोर। ठीक हो गया, अब ये करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड को पीछे थ्रो करना है, फिर राइट को पीछे थ्रो करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ से कुछ लिए हो ना, ये किया ना हमने, तो यहाँ से हम लिए लिए, फिर ये फेंका, फिर ये फेंका। ठीक है, फेंकने के बाद आपको यहाँ पर पागलों के जैसा बिहेव करना है, ऐसा कुछ, फिर उसके बाद ऊपर क्लैप करना है। ठीक है, क्लैप के साथ साथ हम थोड़ी सी जंप लेंगे, तो ये कुछ लगेगा वन टू थ्री एंड फोर एंड। जब भी आपका राइट लेग बैक टू द प्लेस आ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर को टच करेगा, इतना याद रखो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक होगा, ये करने के बाद आएगा वन टू पागल क्लैप, नहीं और हमें स्टार्ट कब करना है, ऐसी बीट आएगी ढिन ढिंडारा ढिंडारा हा हा सब हारा डिडिन हा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, मेरे को लिरिक्स उतने से याद नहीं है, बट हाँ आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आएगा ढिन, ये ढिन जो है बीट है, ढिंडारा ढिंडारा डेरे डिन डेरे डिन हा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं काउंटिंग पर, फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, थ्रो थ्रो पागल क्लैप, एक और बार, वेरी गुड, फाइव सिक्स सेवन एट हमने किया, दिलदारा हा 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 बम बम चिगी हा, परफेक्ट, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, खा जा रहे हो कसम से। अभी बढ़ते आगे, हमने किया क्लैप, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉगी डॉगी हा हा। मेरे को लगता है कि ये वाले स्टेप को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लोग, बट मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड करूँगा। तो करना क्या है आपको, यही सेम लेग वाला लेग वाला लेग लेग वाला, ये वाला जो है वही करना है, मतलब ओपन क्लोज ओपन क्लोज देन ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ठीक है, करना क्या है, राइट ओपन होगा, लेफ्ट क्लोज हो जाएगा, लेफ्ट ओपन होगा, राइट क्लोज हो जाएगा, देन राइट एंड राइट एंड, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला किया था, ये वाला वही वाला करना है, मतलब लेग के साथ हैंड डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो करना क्या है, हैंड में आप लोग को प्रिटेंड करना है कि आप यहाँ पर आपको अपने आप को मार ले रहे हो, ऐसा कुछ, बट हैंड उसके बाद वापस बाउंस होकर आएगा। ठीक है, ऐसे रख देना नहीं है नीचे, वन बाउंस होकर वापस आएगा, फिर दूसरे हाथ के साथ भी, राइट हैंड के साथ टू
बाउंस, ठीक है, मतलब दबा के मान लो अपने आप को, फिर नीचे आएगा, फिर सेम नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं लेग के साथ करूँ तो हा नीचे, मतलब जब भी नीचे आ रहा है आप दूसरा लेग क्लोज कर लो, फिर उसके बाद सेम ओपन, जब भी मार रहे हो ओपन करो फिर क्लोज करो, इतना ही, ठीक है। एक और बार स्लोली मारो ओपन क्लोज डाउन, मारो ओपन क्लोज डाउन, ठीक है। एक और बार 5 6 7 8 मारो ओपन क्लोज डाउन, मारो ओपन क्लोज डाउन, इतना याद रख लो आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्लोज डाउन करने के बाद लेग ये रहेगा, इसके साथ आपको मतलब दो बार आपको ए आउट इन करना है, और उसके साथ हाथ रोल करो ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये कुछ आएगा 1 2, बस रोल करना है, बहुत ईजी है ना। तो ये आएगा हा रखो ओपन क्लोज, ठीक हो गया गाइज। लास्ट टाइम 5 6 7 8 हमने किया था दिल दारा हा गए, 1 क्लोज रोल एंड रोल। एक और 5 6 7 8 हमने किया 1 2 3 4 हा बूम बूम हा, 1 2 3 4 रोल एंड रोल, परफेक्ट। आई होप आप लोग को आ गया होगा, यही है डॉगी और कुछ नहीं है। चलो अभी बढ़ते आगे, हमने ये किया लास्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट को ऐसे टच करके सामने रखना है, हील्स को आउट निकालना है, वापस आ जाना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। लेफ्ट को टच करो, सामने रखो, हील्स आउट एंड इनसाइड। जैसे ही इसके साथ साथ आपको हैंड्स क्या करना है, आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक वेटर हो, और वेटर का काम क्या होता है, मैडम, तो मतलब यहाँ पर आप ट्रे होल्ड करके हो, और जब भी आपके हील्स आउट जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हैंड भी ऊपर जाके ट्रे ऊपर लेना है वापस लाना है, ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। तो ये आएगा, हमने किया रोल टच, कीप इट डाउन मैडम, बैक टू द प्लेस, ठीक हो गया। एक और 5 6 7 8 हमने किया 1 2 3 4 टच कीप इट डाउन मैडम बैक टू द प्लेस, परफेक्ट। और इसी के साथ साथ इसके बाद आप राउंड ले सकते हो, वहां पर आपका रील डांस खत्म हो जाता है। चलो अभी स्टार्टिंग से यहाँ तक स्लो म्यूजिक पे ट्राई करके नॉर्मल म्यूजिक पे ट्राई करते हैं, चलो करते हैं 6 7 8 position ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, किल कर दे रहे हो, और उसी के साथ साथ आपका कोरियोग्राफी लर्न कर लेते हो। अगर ये वीडियो आपको जरी सी भी हेल्प करिए गाइज, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कितने बार बोलूँगा गाइज, आप लोग करते ही नहीं हो, और मेहनत देखो, स्टार्टिंग में मैं ऐसा दिखता था और अभी अब ऐसा दिख रहा हूँ, प्लीज़ ये मेहनत को तो लाइक कर दो गाइज। और हाँ, आप लोग की जो भी रिक्वेस्ट है फील फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर जाओ, बोलो कि ये वाला सिखाओ, कल तक वीडियो रेडी हो जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, टाइम लगेगा बट हाँ वीडियो आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, चलो अभी ट्राई करते हैं नॉर्मल म्यूजिक के साथ। तू मंजिल है और तू ही उस मंजिल के आगे का रास्ता।